अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी हेलो बजे। गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक राज आर्यन और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म भोजपुरी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और PhD फाइल प्रीव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए तो फाइनली शुरू करते हैं। एंड तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी हाल ही फिलहाल में साइनिंग किया है अपनी कंपनी से के आर फिल्म से, जो कि ये JPEG फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं JPEG फॉर्मेट है, जिसे मैंने विंडोज़ फोटो व्यूअर में ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं Full HD है ये, कहीं से भी कोई फटने का चांस नहीं है। देख सकते हैं पूरा Full HD एकदम। तो यही है डिज़ाइनिंग, आप देख सकते हैं। और इसे मैंने किस तरह से किया हुआ है मैं आपको बता दूँ, कुछ हिंट्स दे दूँ आपको। अगर आपको PhD चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी है। तो चलिए फाइनली ओपन करते हैं इसे फोटोशॉप में। मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का फॉन्ट है। यहाँ पे मैं आपको Ctrl+ से हम यहाँ से जूम कर दें, आपको दिखा दें। यहाँ पे सिंपली मैंने जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये एक फॉन्ट है, कैलिफोर्निया का फॉन्ट है, जो कि जिसको परचेस करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर के साथ आता है, लगभग इसका 7 से 8 हज़ार प्राइस है। और ये ऑफ़र में कभी कभी डिस्काउंट मिलता है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कुछ खास, मतलब कि इसमें जो डिज़ाइनिंग पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देते हैं हम, वो होती है लाइटिंग। डिज़ाइनिंग जो है वो लाइटिंग पे डिपेंड करती है। आपकी जो इमेज हो, जो बैकग्राउंड हो या फिर फोरग्राउंड जो भी इमेज हो, उसमें लाइटिंग होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये सिंगर का फोटो है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। और इसे सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस भी कर सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे Ctrl+M प्रेस करते हो आप, तो यहाँ से आप लाइटिंग का एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए देखिए ये लाइटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। तो इतना नहीं रखना आपको, बस इतना रखना है कि वो आपको जो है डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छा लगे, उसी के हिसाब से लाइटिंग आपको देना है। और कुछ खास ज़्यादा भी लाइटिंग नहीं देना है, नहीं कम देना है। एक जो रेंज होती है इमेज की, उसी रेंज के हिसाब से लाइटिंग देना है। और ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो एक्चुअल जो रियल जो इमेज होते हैं वही उठा कर रख देते हैं, और उससे जो होता है। तो सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग में फ़ोटो जो होना चाहिए वो स्टूडियो फ़ोटो बेटर होता है। स्टूडियो फ़ोटो जो होता है वो DSLR से लिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक देता है। अगर आप फ़ोन वगैरह से खींच के सेल्फी लेकर अगर आप उसे अगर करते हो, तो सेल्फ़ी का जो पोज है वो अलग पोज में होता है, तो वो शेप में नहीं आ पाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइनिंग बनवाएं, या फिर आप अगर डिज़ाइनर हो बनाते हो तो कोई आपसे बनवाता है, तो आप कोशिश करें कि आप उससे जो स्टूडियो फ़ोटो हो वो लें, क्योंकि सेल्फ़ी फ़ोटो से आपका जो है डिज़ाइनिंग जो शेप होता है वो सही से नहीं हो पाएगा, सही से नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि कभी कभी जो है वो जैसे कि देवी गीत का है, तो वहाँ पे तो ये हाथ जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है सेल्फ़ी में। तो ये सभी काफ़ी सारे होती है, तो यहाँ पे एक अच्छी फ़ोटो की ज़रूरत होती है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे कंपनी का लोगो है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कंपनी का नाम है। और यहाँ पे कुछ ये जो दिख रहा है, ये पिलर है। सॉरी, मैं इसे एक बार और दिखा दूँ, मैं इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का है जो मैंने दोनों साइड से लगाया हुआ है। इसे एक कॉपी किया हुआ है और हॉरिजेंटल पे करके मैंने इसे दोनों साइड से लगाया हुआ है। तो ये पिलर है, ये पूरा फूल है, लेकिन मैंने इसे आधा रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर पूरा रखूँगा तो ये काफ़ी एरिया जो है वो कवर कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ और भी ऐड करना है, जैसे यहाँ पे टेम्पल हुआ, यहाँ पे देवी गीत जो का जो यहाँ पे ये जो क्लिप आर्ट है ये ऐड करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको ऐड करना रहता है, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं जितना कम स्पेस ले और मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें को डाल सके। जैसे एल्बम नेम है, तो एल्बम नेम तो सबसे पहले बोल्ड होना चाहिए, और उसके बाद में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिखे लोगों को। कोई कोई तो मतलब कि यहाँ पे इटैलिक फॉन्ट वगैरह यूज कर देते हैं, मतलब कि पतला फॉन्ट, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग पे बोल्ड फॉन्ट ही काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, ये जिसे इस फॉन्ट को WebTF जो है वो यूज में लेते हैं, इस कंपनी के फॉन्ट को आप देख सकते हैं। ये जो फॉन्ट है ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है,
और इसे सिंपल है, इसे यूज करना। ये कोई जो आप जो आपका जो जो भी फॉन्ट है होगा आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट, सेम उसी तरह से ये भी वर्क करता है। इसका कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं आता है, सेम वही प्रोसेस है, प्रोसेस है इंस्टॉल करने का और फिर इसे यूज करने का। तो ये जो भी है तो वही प्रोसेस है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे ये PhD प्रोजेक्ट है दरअसल, इसमें इसमें आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे आप चेंजिंग कर सकते हो। तो इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो। यहाँ पे भी एक इंग्लिश फॉन्ट है जिसमें सिंगर का नाम लिखा हुआ है, और पीछे जो यहाँ पे है यहाँ पे मंदिर डाला हूँ, और पीछे वाला जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हो, ये बैकग्राउंड पीछे वाला जो बैकग्राउंड है इसे मैं दूसरे लेयर में जाकर दिखाता हूँ आपको। ये स्काई बैकग्राउंड है जो कि मतलब एक स्काई मतलब होता है आसमान, उसी का ये बैकग्राउंड है। वहीं से मैंने इसे कॉपी किया हुआ है, मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया हुआ था। अगर आप PhD प्रोजेक्ट लेते हो तो ये सभी आपको अलग से कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप में मतलब कि आ जाएगा। ये भी जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसका, ये देख सकते हैं ये बैकग्राउंड है। और यहाँ पर मैंने ये दुर्गा जी का जो फोटो लिया हुआ है ये दिखाती हूँ मैं आपको दूसरे लेयर में ले जाती हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हो ये PhD है, और PhD में इसी तरह से होता है वर्क यहाँ पे। तो ये दुर्गा जी का इमेज है, और जिसे मैंने मैंने इसको कुछ एडिटिंग किया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई किया है मैंने, जैसे कि इसमें कंट्रोल एम प्रेस करके आप इसके ब्राइटनेस को और भी बहुत कुछ शार्प कर सकते हो। देखिए ये इतना बढ़ाओगे, एक लिमिटेशन होना चाहिए। अब एक ही बार आप अगर इतना बढ़ा देते हो तो ये फिर वापस हो जाएगा ये। तो अपने हिसाब से जितना आवश्यकता हो उसी के हिसाब से बढ़ाइए इसको। और फाइनली इस ये जो साइज़ है ये दिल्ली साइज़ है, और इसमें बॉर्डर वगैरह का यूज नहीं किया हूँ मैं। और बॉर्डर आप लगा सकते हैं, अगर आपको बॉर्डर वाला PhD चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा। और चलिए फाइनली यहाँ पर कुछ नीचे इमेजेस वगैरह हैं किस तरह से लगाए गए हैं ये आप देख ही सकते हैं। और नीचे जो है वो सभी स्पेशल फॉन्ट्स यूज किए गए हैं पूरे डिज़ाइनिंग में, जो कि शायद ना हो आप लोगों के पास। तो ये PhD के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं फॉन्ट को। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है इसमें, बस एक दुर्गा जी का इमेज है और कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया गया है वो फॉन्ट के ऊपर मेहनत किया गया है। रियली फॉन्ट में फॉन्ट बनाने में काफ़ी मेहनत होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम उस पर लग जाता है उसके किस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मतलब कि एक खास लुक देने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम उसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉन्ट पे, क्या ताकि जो लुक हो वो थोड़ा अच्छा हो, बेटर हो, लोगों को पसंद आए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं हम लोग फॉन्ट पे। और उसके बाद में जैसे कि इमेज वगैरह जैसे कि आप लोग को व्हाट्सएप पे आते होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस हैं, तो मान लीजिए कोई इमेज एक ले लेता हूँ, यही इमेज मैं दोबारा से फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये इमेज मैंने ले लिया इसे। और यहाँ पे ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पे करता क्या लोग, जैसे कि ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये सब सेम है, तो यहाँ पे ये लोग करेगा क्या कि यहाँ से सिलेक्शन टूल से यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे डिलीट। और इसके बाद में यहाँ से वो ले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे डिज़ाइनिंग पे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि आप लोगों को भले ही ज़्यादा समय लगे, जितना समय लगे 10 मिनट 20 मिनट वो समय दे, और इसे आप जूम करके ही कट करें, यहाँ से जूम करके, यहाँ से जो ये जो यहाँ यहाँ पे जो टूल है एल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, वो भी है, हमें उतना खास पढ़ नहीं आता। तो यहीं से आप इसे पूरा गहराई से सिलेक्ट करें, और यहीं इसके बाद ही आप कट करें, क्योंकि होता ये है कि उसमें जो होता है ना कुछ मतलब कि कुछ रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, लेकिन आप उस तरह सिलेक्शन टूल से करते हो, वहाँ पे इस टूल से करोगे आप, तो कहीं कहीं होगा क्या कि कहीं कहीं पे जो एरिया में वो कलर मैचिंग ना हो तो वहाँ पे वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से कट का छाप आ जाएगा जो कि आपके डिज़ाइनिंग पे दिखने लगता है। तो ये समय बचाने के चक्कर में आप इस तरह से डिज़ाइनिंग ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं आप इसे कितना भी मैं जूम करूँगा
तो यहाँ पे थोड़ा भी आपको शार्पनेस देखने को नहीं मिला है। सिंगर के जितने भी हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बारीकी से कट किया हुआ है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अच्छा डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा ही, और तभी आप अच्छा कर पाओगे। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि एक दिन में काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो यही प्रोसेस करते हैं, जिससे वो लोग एक और काम करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जैसे कि इसमें जो बैकग्राउंड सॉरी एक सेकेंड इसमें जो बैकग्राउंड था यहाँ पे, तो ये बैकग्राउंड जैसे था ये नीला रंग का था, तो वहाँ पे भी ये लोग नीला रंग का ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि ये नीला है वहाँ पे भी नीला होगा। तो यहाँ पे अगर कट करते हैं तो वहाँ पे ख़ास पता नहीं चलता है, लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ पे अगर नीला है वहाँ पे अगर येलो तो वहाँ पे पता चल जाएगा, वहाँ पे कटिंग का जो ये है वो पता चल जाता है। तो ये सब जो है ये सब चीज़ें को ध्यान देनी पड़ती है, ये सब चीज़ को। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पीछे मैंने PNG सनलाइट्स का लगाया हुआ है, इस वजह से मैं उसको भी एक बार दिखा दूँ आप लोगों के लिए कि क्या है पीछे, जो दुर्गा जी के जो सर के पीछे लगा हुआ है, मैं इसे एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं जाता हूँ, ये यही होगा शायद, है, और मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो और यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो देख सकते हैं यही मैंने लगाया हुआ था ये। और ये जो है PNG में है, आप PNG में डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आपको PHD के थ्रू आप इसे यूज में ले सकते हैं। तो फाइनली चलिए, आपको ये वीडियो समझ में आया हो क्या प्रोसेस है? कुछ खास नहीं है, बस जो नॉर्मली आप लोग करते हैं वही हम भी करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग के ऊपर, और इस वजह से थोड़ा बेटर लगता है देखने में। बेटर नहीं, ठीक ठाक ही लगता है, क्योंकि हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर लोग हैं, हम तो कुछ नहीं है, और कोशिश करते हैं कि अच्छा बनाए ताकि लोगों को पसंद आए, और ना पसंद आए तो फिर बनाने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। तो इस वजह से एंड फाइनली यहाँ पे ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने लगभग 200 से 250 ग्रेजुएशन पे बनाया हुआ है, इस वजह से ये नहीं फटेगा, और इसे एक्सपोर्ट भी करूँगा तो नहीं फटेगा। तो जब जैसे कि मैंने किया हुआ है, आपको मैंने दिखाया था शुरू में स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं फटेगा, ये छपवाते हैं दिल्ली साइज है और नहीं फटेगा दिल्ली साइज में। और भी काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग हैं, और इसका जो प्रोजेक्ट जो है ये, इसका जो PHD है वो मैंने पिछले वीडियो में इस PHD फाइल का रिव्यू किया है, और देख सकते हैं पिछले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लें, ये भी इसका भी मैंने रिव्यू कर दिया हुआ है। तो चलिए फाइनली आई होप किस तरह से वर्क होता है फोटोशॉप डिज़ाइनिंग पे, मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए, आप समझ सकते हो कि किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस है। एंड फाइनली मैं आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और आप लोग का कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं है इस वजह से। तो चलिए फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड प्लीज़ बेवजह कॉल नहीं कीजिएगा आप लोग, ऐसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी PHD प्रोवाइड करता हूँ वो उसका मैं चार्ज लेता हूँ, फ्री में नहीं करता हूँ, क्योंकि PHD क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगता है और समय लगता है, इस वजह से मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फालतू का कॉल ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और हाँ, मन करे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर इसी तरह और भी वीडियोस आपको अगर रिलेटेड चाहिए हो तो कमेंट जरूर करके बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।